सिंगरौली में खुद को कोरोना पॉजिटिव बताकर एक व्यक्ति दहशत फैलाने का कार्य कर रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति आदतन अपराधी है। सिंगरौली के नवानगर पुलिस ने खुद को कोरोना पॉजिटिव बताने वाले व्यक्ति चंदन श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी आकांक्षा जैन ने कार्रवाई करते हुए भय फैलाने वाले इस सनकी व्यक्ति पर रासुका के तहत कार्रवाई की और इसे रीवा केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि चंदन श्रीवास्तव आदतन अपराधी है। इसके विरुद्ध पहले भी लूट, मारपीट, ठगी जैसे कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आरोपी चंदन श्रीवास्तव, जो कि थाना नवानगर का रहने वाला है, बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके पूर्वी थाना नवानगर में थाना बैड़न एवं आरपीएफ शेड्यूल में अपराध पंजीबद्ध हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व बैड़न चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड से भागकर चंदन श्रीवास्तव द्वारा स्वयं को कोरोना पॉजिटिव होने का प्रचार प्रसार किया, जिससे जनता, समाज एवं पुलिस कर्मियों के मध्य अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हुआ, असुरक्षा की भावना निर्मित हुई एवं समाज में चंदन श्रीवास्तव द्वारा दहशत फैलाने का कार्य किया गया, जिसके खिलाफ आज दिनांक को थाना नवानगर में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत चंदन श्रीवास्तव के ऊपर कार्रवाई कर उसे केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।